फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूरिक एसिड एंड गाउट का रिलेशनशिप। आप सबने सुना होगा कि गाउट के अंदर हमारे डॉक्टर या फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन यही बताते हैं कि आपको गाउट है तो आपको यूरिक एसिड आपके अंदर बढ़ा होगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाई यूरिक एसिड एंड गाउट, और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपका बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ावा देता है और गाउट के सिम्टम्स को बढ़ावा देता है, उसकी वजह से आपको बार बार गाउट के अटैक से सफर करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही पेन टॉलरेट करना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गाउट के लिए और हाई यूरिक एसिड के लिए, व्हिच आर द फूड्स आर हेल्प टू रिड्यूस योर यूरिक एसिड एंड अटैक ऑफ गाउट। यूरिक एसिड बॉडी में तब प्रोड्यूस होता है जब आपके बॉडी के अंदर एक केमिकल, उसको प्यूरिन बोलते हैं, और वो यूरिक एसिड आपके बॉडी में से यूरिन से यानी किडनी से वो एक्सक्रीट होता रहता है। ज़्यादातर टाइम्स के अंदर हाई यूरिक एसिड्स की वजह से आपके किडनी में से यानी पूर्ति मात्रा के अंदर यूरिक एसिड्स आपके यूरिन से एलिमिनेट्स नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड्स क्रिस्टल्स पैदा करता है और वो सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आप गाउट के अटैक से सफ़र करते हो या तो आप गाउट के पेन से आपको टॉलरेंट करना पड़ता है। तो ये हाई यूरिक एसिड्स आपकी किडनी से नहीं निकलने की वजह से आपको गाउट को सफर करना पड़ता है। यूरिन वैसे नेचुरली आपके बॉडी के अंदर बनता है, मगर वो आप उसको जो यूरिन रिच फूड्स होते हैं उसको अगर आप बॉडी के अंदर नहीं लेते हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं होता है कि गाउट के जो डाइट होता है वही आपका क्योर है। गाउट के जितने भी डाइट्स यानी यूरिन जो रिच फूड्स है अच्छी मात्रा में या तो कम्प्लीटली आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, मगर आप ज़्यादा हद तक उसको कंट्रोल करिए, जिसकी वजह से आपके गाउट के अटैक को आप कंट्रोल कर सकते हो। मगर एक बात ध्यान रखिए कि वो उसका क्योर नहीं है, आपको हाई यूरिक एसिड्स को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको फिजिशियन द्वारा दी गई मेडिसिन को भी लेना चाहिए, मगर उसके साथ में आप यूरिन रिच जो फूड्स होता है यानी जो भी आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ावा देता है वो जितने भी बेवरेजेस या तो फूड्स है आप उसको रूटीन डाइट से कम करिए, जिसकी वजह से आपको गाउट के अटैक से आप बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर जो आपके बॉडी के अंदर हाई यूरिक एसिड्स क्रिएट्स करता है, जिसके अंदर यूरिन रिच फूड्स आता है। उसके अंदर हम यूरिन रिच फूड कौन कौन से आते हैं तो ऑर्गन मीट्स आते हैं, जिसमें लीवर है, पैंक्रियाज है, किडनी है। तो वो जो ऑर्गन मीट्स होते हैं वो सी फूड, हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स होते हैं, साथ में सम जूसेस एंड सोडा, उस सब में से आपको आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड्स को प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। उसके साथ में कई और भी फैक्टर हैं, जैसे ओवरवेट है उसकी वजह से भी यूरिक एसिड्स ज़्यादा बढ़ता है। उसके साथ में है डायबिटीज है, उसके साथ में है हाइपोथायरॉइडिज्म है, जीनेटिक्स है, टू मच टेकिंग ऑफ अल्कोहल, अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हो उसकी वजह से भी आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड्स का लेवल बढ़ता है। उसके अंदर स्पेशली वोडका एंड विस्की के अंदर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको बेहतर यही रहेगा कि आप वाइन लीजिए या तो आप बियर ले सकते हैं। उसके साथ में है जीनेटिकली भी हो सकता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स उसकी वजह से भी बढ़ता है, कई सारी डायबिटिक्स है जो वाटर को आपको बॉडी में से निकालने के लिए लेना पड़ता है, डायबिटिक जो मेडिसिन होती है उसकी वजह से भी हाई यूरिक एसिड बढ़ता है, ट्यूमरलिसिस सिंड्रोम्स की वजह से होता है, उसका मतलब कि कई बार कीमोथेरापी जो लेते हैं कैंसर वाले पेशेंट्स उसकी वजह से भी यूरिक एसिड आपके बॉडी के अंदर लेवल बढ़ता है। उसके साथ में कई बार एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन जितने भी है उसकी वजह से भी आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ता रहता है। अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो आपको नॉन मीट जितने भी प्रोटीन्स है वो आपको लेने चाहिए, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, बीन्स लेने चाहिए, टोफू लेने चाहिए, पल्सिस लेने चाहिए।
कई बार ये मिथ्स है कि पल्सिस वगैरह लेने से, प्लांट प्रोटीन लेने से आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है, मगर नहीं, यूरिक एसिड लेवल नहीं बढ़ता है, वो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज में बताया गया है। और मगर आपको अतिरिक्त नहीं लेना है, आपके बॉडी की जितनी रिक्वायर है उतना तो आपको लेना ही चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना आपको लेना चाहिए। कई बार रिसर्च में ये भी बताया गया है कि स्पिनाच, उसके अंदर काफी सारा प्यूरिन होता है, मगर स्पिनाच एंड एस्परेजस है उसके अंदर प्यूरिन रिच फूड होने के बावजूद भी वो आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ावा नहीं देता है, यानी यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए, पल्सिस भी लेने चाहिए, बीन्स लेने चाहिए, टोफू लेने चाहिए, नॉन मीट जितने भी प्रोटीन्स है वो भी आपको लेने चाहिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स कम ना हो पाए। दूसरा है, गाउट के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन सी सप्लीमेंट्स। 500 मिलीग्राम विटामिन सी सप्लीमेंट्स लेने की वजह से आपको गाउट के पेन के अटैक से आपको बार बार सफर नहीं करना पड़ेगा। तो आप मेडिसिन भी लीजिए, साथ में पूरी जितने भी फूड्स है वो आप आपके डाइट में थोड़ा कम करिए, और जो भी मैंने रिकमेंडेशन दिया है जितने भी फैक्टर्स है उस फैक्टर को अवॉइड करने का ट्राई कीजिए, जिसकी वजह से आपको बार बार गाउट के अटैक्स आपको सफर नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुत ही शॉर्ट वीडियो गाउट एंड यूरिक एसिड्स पे था, आप उसको फॉलो करिए, जिसकी वजह से आपको बार बार गाउट के अटैक से सफर नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।